ऐसा लग रहा है कि आज हम भी टॉप कर गए गवर्नमेंट एग्जाम दिए नहीं है ऐसा लग रहा है कि हम भी टॉप कर गए क्रिकेट तो एक हाथ में बैठ रहता था तो एक हाथ में बुक देखता था तो एक हाथ में उसका किताब हमेशा ही रहता कभी समझौता नहीं करता था कोई चीज से दिल से करता था जो करता था लड़ाई भी दिल से करता है था हमसे शादी विवाह तो होना ही है एक लड़का है तो शादी विवाह होना ही लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई कैसी बहू चाहिए वो बता दीजिए ताकि परिवार में सामंजस्य वाली बहू चाहिए बुधवार को बीपीएससी छियासठवीं का फाइनल परीक्षा का परिणाम आया जिसमें वैशाली जिला के महुआ निवासी सुधीर कुमार ने प्रथम स्थान लाकर पूरे जिला एवं पूरे प्रखंड पूरे गांव का नाम रोशन किया अभी हम उनके गांव भरतपुर में आए हुए हैं और हमारे साथ ये देख रहे हैं ये सुधीर कुमार जी के माता हैं और ये दीदी है उनकी और ये दोस्त हैं और ये जो वो कॉलेज में किए थे जिस कॉलेज से उस कॉलेज के प्रोफेसर हैं हम बात करते हैं सबसे पहले उनके माता जी से उसके पास शायद पहले मीडिया से ही या दैनिक जागरण से पूछने गए ना उसके बाद वो बता दिया तो हम लोग देखे पता चला की बिहार का नंबर वन सुधीर कुमार है तो जब आपको पता चला तो उस उस वक्त आपके मतलब घर का माहौल क्या था कितनी खुशी थी कितना उत्साह खुशी था। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था या हम लोग बहुत समय से आशा लगाए हुए थे एक साल से रिजल्ट का पहले तो इंटरव्यू का फिर इंटरव्यू हुआ तो रिजल्ट का डेली सोचते थे कब होगा मिला तो बहुत खुशी मिला तब तक तो वो यूपीएससी का पीटी भी निकाल लिया अच्छा तो हमें आप सुधीर कुमार जी के बचपन के बारे में आप कुछ बताइए बचपन से बताइए बचपन से उनका व्यवहार किस तरह से था बचपन से तो बहुत पढ़ने में बहुत मन लगाता था क्रिकेट एक हाथ में बैठ रहता था तो एक हाथ में बुक रहता था टीवी देखता था तो एक हाथ में उसका किताब हमेशा ही रहता था और भी किसी चीज में उनका रुचि रहा हाँ हाँ क्रिकेट में सबसे ज्यादा था एकदम छोटा से ही एक साल से ही वो दिन भर जब उनके पिताजी क्या करते हैं पिताजी पोस्ट ऑफिस में कैसा ओवर सीयर है और आप क्या करते हैं मैं राजा पाकर सी में एएनएम के पद तो वो सबसे पहले स्कूली शिक्षा उनकी कहाँ से हुई बस संत जोसेफ बगल में महुआ संत जॉन्स एकेडमी महुआ संत जोसेफ के बाद संत जोसेफ अच्छा। जॉन्स जब से खुला वहाँ संत जॉन्स से वहां से वो... मैट्रिक मैट्रिक है और उसके बाद आगे वो आईआईटी आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम पास किया और कानपुर से कानपुर से सिविल इंजीनियर करके उसके बाद दो साल कोचिंग चलाया कहां पे कोचिंग चलाया महुआ में बेग कोचिंग सेंटर उसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग का तैयारी कराता था अच्छा दो साल वो दो साल वो यहाँ अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने गाँव के बच्चों के विकास के लिए वेव क्लासेस नामक कोचिंग संस्थान में उन्होंने शिक्षा दी बचपन से उसको चेस में भी बहुत रुचि था बहुत छोटा था तब ही बड़े बड़े लोग को हरा देता था फिर भी प्रतियोगिता में नहीं गया बहुत छोटा था लेके जाने के लिए कोई आदमी भी नहीं था पापा भी जाओ मम्मी भी जाओ छोटा बहन सब भी छोटी थी अच्छा तो जब वो पहली बार आपको जब पता चला जब आप उनसे पहली बार बात किए तो मतलब क्या बात हुआ आप दोनों के बीच उसको खुद भी पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है अच्छा आपको यकीन था बचपन से ही कि सुधीर कुमार टॉप करेंगे बहुत मेहनत करता था ना हम लोग सो जाते थे फिर भी वो पढ़ते रहता था कितना तो। देर करीब पढ़ते थे आप तो अपने आँखों से देखे होंगे तो रातों में उसको तीन बजे सोता था, था सवेरे अपना ग्यारह बजे उठता था तीन बजे भोर तक पढ़ता ही था फिर ग्यारह बजे खाना उना खा के फिर वो पढ़ता ही और आगे क्या लगता है कि वो आगे यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं। आ, वो निकाल लेगा वो बहुत पूरा भरोसा एकदम हंड्रेड परसेंट नहीं हंड्रेड टेन परसेंट भरोसा है और उसमें भी वो जरूर टॉप रैंक के स्थान लाएंगे ये इसीलिए जा, उसको ज्यादा वही रहता है की टॉप टेन से अंदर ही रहे कुछ दीदी बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके भाई का रैंक एक आया है पूरे बिहार में और ये बहुत गर्व की बात है वैशाली जिला के लिए महुआ प्रखंड के लिए अभी तक वैशाली जिला में शायद नहीं एक रैंक तो नहीं ही आया था बीपीएससी में ये पहला बार है कि वैशाली जिला का कोई लड़का वैशाली जिला का लाल महुआ प्रखंड का एक रैंक पूरे बिहार में लाकर पूरे देश का नाम रोशन किया है और दीदी आपको कितना खुशी है क्या कुछ कहना चाहेंगे बहुत खुश है छोटा भाई था तो मतलब गाइड करते थे वो भी मतलब मैथ से था इंजीनियरिंग किया था तो हम भी इंजीनियरिंग किए तो गाइड करते रहते थे ऐसा तो लग रहा है कि आज हम भी टॉप कर गए हम हम गवर्नमेंट एग्जाम दिए नहीं है है लग रहा है कि हम भी टॉप कर गए इतना खुश है हम और आप लोग भी मतलब शिक्षा से जुड़े आप अभी क्या करते हैं हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी में अच्छा जब उनका आई में उनका चयन कब हुआ था दो में तो उस वक्त क्या मतलब माहौल था कितना उस वक्त खुशी था सबसे तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है हाँ उस, मतलब आई में भी अच्छा किया था थोड़ा सा मतलब मेन एग्जाम में गड़बड़ हो गया तो टॉप में नहीं आ पाया फाइव में बट बहुत खुश थे हम लोग मीडिया को ज्यादा नहीं बताए कि थोड़ा लो रहे तो फ्यूचर में आगे करता नहीं तो कई बार भटक जाते लोग पर अब तो अच्छा पता चल गया हम लोग जानने से पहले ही पता चल आप दीदी हैं चूंकि आप बचपन से जुड़ी कुछ ऐसी यादें बताइए आप भाई बहनों के बीच हाँ उसको मतलब कभी समझौता नहीं करता था कोई चीज से दिल से करता था जो करता था लड़ाई भी दिल से करता है था हमसे बहुत झगड़ा करता था और कभी मतलब नंबर टू नंबर थ्री के चक्कर में नहीं रहता था मतलब दो, ऐसे तो भी तो दौड़ में भी अगर हम लोग करते हैं ना तो अगर से आ जाए मेरे से तो रोने लगता था कितना भी समझा भाई तू छोटा है बड़ा होकर तुम तेज दौड़ेगा तो कहता था नहीं हमको फर्स्ट करना है जब खाली टाइम में जो चीज दिमाग में उसी में प्रैक्टिस करता था क्रिकेट हो दौड़ हो चेस हो पढ़ाई हो मतलब इवन खाना बनाने में मेरे से अच्छा बनाता है तो मतलब कोई चीज करता तो दिल से करता है मतलब पैशन है उसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा दीदी तो तो अभी तो बहुत सारे मीडिया वाले इंटरव्यू लेने आपके घर आएंगे आपका भाई टॉप किया है बहुत खुशी की बात है पूरे बिहार पूरे देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप और भी हाँ थोड़ा मतलब स्ट्रगल तो काफी करना पड़ता है लेकिन पूरे परिवार को करना पड़ता है मेरे मम्मी पापा वर्किंग थे तो पापा भी घर के काम में थोड़ा हाथ उठाते थे मम्मी का और हम लोग को भी थोड़ा मतलब एजुकेशन पे मम्मी पापा ध्यान देते थे जॉब करने के बाद भी ये नहीं कि हाँ वो लोग जॉब करे हमें छोड़ दिए तो गाइड करते थे बचपन से फिर दीदी बड़ी हो गई तो हम लोग गाइड करने लगी हम बड़े हुए तो भाई को गाइड करने लगे तो मतलब वैसे पूरे परिवार मिलके करता है तब मतलब कोई आगे बढ़ता है हाँ और थोड़ा सा स्ट्रगल्स और इवेंट से तो लड़ना पड़ता है आपको हाँ लाइट नहीं है तो कैसे आप डिबिया में भी पढ़ ले तो उतना तो मतलब थोड़ा करना पड़ता है अब तो का, का, काफी सुविधाएं है इंटर, इंटरनेट है बुक अवेलेबल है तो उनको बचपन से ही मतलब जानते होंगे उनके साथ रहे खेले कूदे तो बिल्कुल बिल्कुल क्या कुछ बचपन से ही उनमें क्या ऐसा हुनर था जिसके लेकर के आज वो टॉप रैंक का स्थान हासिल किया है पढ़ाई में तो वो हमेशा से ही अव्वल रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है वो हमेशा मतलब जब देखिए एकदम किताबी कीड़ा टाइप का एकदम पढ़ता था जब खेलता था तो एकदम खेलता ही रहता मतलब जो भी काम करता था ना वो उसी काम पे ध्यान देता था हंड्रेड परसेंट जब खेल रहा है तो वो खेल रहा है जब वो पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है अच्छा आप कितने घंटे तक उनको मतलब कितना बजे रात तक आप पढ़ते देखे अपने आंखों से आ, वैसे तो वो डिपेंड करता है जैसे अगर जब वो जूनियर क्लासेस में था तो वो दस ग्यारह बजे तक पढ़ता था तो जैसे से तेंथ, तेंथ, अच्छा, तेंथ मतलब शुरू से ही वो उनमें पढ़ने का लत था हाँ हाँ तो अभी जब आपको सबसे पहले

ठीक है उसने ही बताया उसने ही बताया कि वो टॉप किया है और उसको भी मीडिया के थ्रू ही शायद पता चला अच्छा तो आप जब बचपन से आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ पीएचडी कर रहे हैं मतलब पूरे भाई बहन जो हैं पूरा एकदम शिक्षा का माहौल बचपन से ही रहा पिताजी जो है वो अभी क्या करते हैं पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट ऑफिस में कैश है उन्होंने शुरुआत पोस्टमैन के पोस्ट से किया था जब वो साइकिल से इतनी मेहनत करके उस कड़ी धूप में जाते थे हम लोगों ने देखा है और वो बहुत मेरे मम्मी और पापा दोनों बहुत मेहनत किया है बहुत मेहनत इवन अभी भी करते हैं अभी भी करते हैं बस यही बोलना चाहूंगी जो भी करे मन लगा के करे चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल कूद हो चाहे जो जिसमें भी आपकी दिलचस्पी हो वो एकदम मन लगा के करे उसमें अपना हंड्रेड परसेंट दे और हर फील्ड में फ्यूचर है हर फील्ड में टॉप कर चुके हैं तो अभी तो लड़की वालों का कॉल भी बहुत आएगा आयेगा तो नहीं तो 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 वैसा नहीं शादी विवाह विवाह का क्या सोचे शादी विवाह तो होना ही है एक लड़का है तो शादी <coughs> विवाह होना ही लेकिन ऐसा <coughs> थोड़ी है कि कोई कैसी बहू चाहिए वो बता दीजिए ताकि परिवार में सामंजस वाली बहू चाहिए तब शादी विवाह करेंगे उनका जब करना होगा तो कर लेंगे तेईस में नवम्बर तक घर में आदमी नहीं है तो हमको तो आदमी चाहिए अभी कोई, कोई नहीं है जी ये सुधीर कुमार वैशाली जिले के भरतपुर गांव के स्थायी निवासी जो आज भारत का नाम इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है और मेरे यहाँ तेरह पंद्रह का यानी 2013 से 2015 का इंटर का विद्यार्थी रहे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा आज रिजल्ट लाया और बार बार मैं मुझे यह सवाल करते थे कि सर हमें जॉब करना है मैंने कहा कि जॉब किया आप टॉप करेंगे आप कड़ी मेहनत करें मैंने बहुत गाइडलाइन इनको दिया वो गाइडलाइन का इन्होंने पालन किया जो आज इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत के बाद इतनी बड़ी सफलता हासिल की इसके लिए मेरे महाविद्यालय का नाम भी रोशन हुआ जिला का नाम रोशन हुआ इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इतना ही रिजल्ट के खुशी में मैं नहीं हूं इसके आगे भी यूपीएससी में ये टॉप ला में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी और साथ साथ इनके जो भी कॉमरेड हैं साथी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं भविष्य की कामना करता हूँ कि और विद्यार्थी इनके साथ आगे बढ़ें भविष्य में अच्छा करें अच्छा आप जब इनसे मिलते थे तो इनका व्यवहार इनका आचरण कैसा रहता था? बहुत ही अच्छे व्यवहार के विद्यार्थी रहे हैं और हमेशा ये पढ़ने और पढ़ाने का इनका रुख बना रहता था कि हमको अध्ययन करना है और दूसरे के लिए भी अच्छा करना है और सरकार के लिए भी सामाजिक सेवा में आगे बढ़ने का हमको मौका मिले ऐसी कामना इन्हें थी जो आज प्राप्त हुई है अच्छा ये पढ़ने लिखने में कैसे थे मतलब बहुत ही पढ़ने लिखने में ऐसा थे कि जो भी क्वेश्चन का जवाब इन्होंने खोजा वो इनको समय के अनुसार मिलता गया उसका ये एक्टिव होकर के उसका पालन किए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किए अच्छा और जो बच्चे देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से उनको आप क्या मैसेज देना प्रारा? उनके लिए मैसेज यही है कि कड़ी मेहनत का अच्छा रिजल्ट होता है लगन से कोई भी विद्यार्थी अगर मेहनत करेंगे चाहे वो खेल हो पढ़ाई हो प्रशासनिक सेवा हो किसी भी वो कार्य में मन लगा के मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही है सर आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं थैंक यू थैंक यू भविष्य में आगे बढ़े सब लोग ठीक